बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह जी ने अता की हैं। अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दौर से गुज़रते वक्त एक अच्छी बात जो होती है वो ये है कि आप उन लोगों के चेहरे भी पहचान लेते हैं जिनका ये दावा होता है कि वो आपकी परवाह करते हैं। झूठ का भी जायका होता है, खुद बोलो तो मीठा, कोई दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। अगर तुम्हें एक दूसरे के अमाल का पता चल जाए तो तुम एक दूसरे को दफन भी ना करो। अल्लाह पाक ने तुम्हारे ऐप छुपा रखे हैं, उसका शुक्र अदा करो। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो तुम्हारा दोस्त बन जाए और अपने दोस्त को एक भी मौका ना दो कि वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। दुनिया में बोली जाने वाली तमाम जबानों में सबसे मीठी जुबान मतलब की जुबान है। उम्मीद न रख उस दुनिया में किसी से हमदर्दी की, बड़े प्यार से जख्म देते हैं शिद्दत से चाहने वाले। मुनाफिक इंसान सब कुछ हो सकता है लेकिन काबिले एतबार नहीं हो सकता। उसे भी जब मौका मिलता है वो डसने से बाज नहीं आता। रिश्तों का असल मज़ा मुखलिसी में है। बनावटी और मुनाफ़कत से भरपूर रिश्ते सिवाय जलालत की और कुछ नहीं देते। इंसान का जब वक्त अच्छा आता है तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी पैदा हो जाते हैं जो पहले आपको कब्र में उतार चुके होते हैं। जिंदगी कोई चाय का कप थोड़ी होती है कि एक चमचा शक्कर मिलाकर जायके की तलखी को दूर कर दिया जाए। जिंदगी को तो उम्र के आखिरी लम्हे तक घूंट घूंट पीना पड़ता है, चाहे तलखी कितनी ज्यादा ही क्यों ना हो जाए। दो दिन हंस के मिलते हैं फिर भूल जाते हैं ये लोग मतलब की हद तक कितना प्यार करते हैं।